ओके गाइस, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी हैशटैग मयंक सर। क्लासेस नहीं हो रही हैं, घर पे से पढ़ाना पड़ रहा है। खैर, वी आर डूइंग टुडे द पार्ट 3 ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। हम लोग, मैंने बोला था चार चैप्टर है, दो चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, मेथड ऑफ सेफ डिस्पोजल। मतलब जो अपना वेस्ट है उसको हम लोग कैसे डिस्पोज करें, उसका जो मैनेजमेंट है वो हम लोग इस पार्ट में करेंगे। तो अपन को तो पता है कि वेस्ट अपना जनरेट कर लिए, वेस्ट का इम्पैक्ट मालूम पड़ गया। अब वेस्ट को कैसे सल्टाया जाए, वेस्ट को कैसे खत्म किया जाए, उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, उसके बारे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात तो क्या है इस चैप्टर में कि आपको कलेक्शन ऑफ वेस्ट करना पड़ेगा, कैसे कूड़ा उठाए। आप देखते हो ना, हम लोग का जो डंपिंग वैन होता है अपने, थोड़ा सा इंडिया में तो अपन थोड़े से पीछे हैं, वो वैन्स पूरी खुली ट्रक्स होती है जो रस्ते में लेके जाते हैं, दैट इज नॉट गुड। एक्चुअली जो डंपिंग वैन्स होने चाहिए ना वो पूरे कवर्ड होने चाहिए, पर अपने इंडिया में तो ऐसा नहीं है। हम अपने देखते हैं ट्रक्स के ऊपर में ऐसे डंपिंग करके जाता है, वो दैट इज वेरी रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो बैक्टीरिया होगा वो तो खुला पूरा, जहां से भी वो ट्रक जाएगा कूड़ा लेकर, वो तो पूरा का पूरा एरिया को भी, क्या नाम है उसका, जो ऑडर होता है, जो उसका स्मेल है, पूरा एरिया को पल्यूट करेगा। तो सबसे पहली बात तो है कि कलेक्शन होना चाहिए, जहां से वेस्ट मिलता है एक तो प्रॉपर कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, वो हमारे इंडिया में है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन द मॉर्निंग, एवरीडे इन द मॉर्निंग वो लोग आते हैं और रिलीजियसली एकदम कस्टम अपना, उस लोग का एवरीडे का काम है, वो लोग एवरीडे कूड़ा उठाते हैं, एवरीडे रास्ता का सफाई करते हैं। हैट्स ऑफ टू दिस पीपल। अगर ये लोग नहीं हो, अपन ने बीच में दिल्ली में देखा था एक बार इन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों ने स्ट्राइक कर दिया था, तो कितना सारा वेस्ट अक्यूमुलेट हो गया था। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, हम लोग इस चीज को इंपॉर्टेंस ही देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग, जो एवरीडे हमारा वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और उसको प्रॉपर जगह ले जाके डंप करते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन माने हो गया कि सारा वेस्ट को आप कलेक्ट करो, एक गाड़ी में आप उसको भरो, बिन्स में आप उसको भरो, उसको प्रॉपरली सील करो जिससे वो कोई वेस्ट बाहर निकल जाए, और उसको प्रॉपर डिस्पोज करने के लिए उसको प्रॉपर एरिया में लेकर जाओ। जनरली हम लोग क्या करते हैं, आउटस्कर्ट्स में, सिटी के बाहर में हम उसको लेकर जाते हैं जिससे कि हम उसको प्रॉपरली डंप कर सके। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लोग को पढ़ने वाला है, इस चैप्टर में हम लोग को मेन जो पढ़ने आए, हम लोग को ये पढ़ना है कि सेग्रीगेट कैसे करना है वेस्ट को, कहाँ सेग्रीगेट करना है, कहाँ डंप करना है वेस्ट को, और जो तीसरा उसका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपोस्टिंग। तो हम लोग के ऊपर में, हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सेग्रीगेशन के ऊपर में कि आप उसको सेग्रीगेट कैसे करोगे, फिर आप उसको डंप कहाँ करोगे, जिसको हम लोग लैंड फिलिंग्स भी बोलते हैं, और हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कंपोस्टिंग के बारे में कि कंपोस्टिंग क्या होता है। तो सेग्रीगेट अपन को पता ही है, वी हैव द कॉमन सेंस, पहले हम लोग को पता है कि अपन को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को सेग्रीगेट करना है। हम लोग का हॉस्पिटल वेस्ट जो होता है, हॉस्पिटल के अंदर से जो हम लोग का वेस्ट, मेडिकल वेस्ट जो निकलता है, और इंडस्ट्री जो वेस्ट निकलता है उसको अलग करना है, उसको हम लोग को जो डोमेस्टिक वेस्ट है उससे मिक्स नहीं करना है। डोमेस्टिक वेस्ट में भी दो तरह के वेस्ट होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो हम लोग को इसको भी अलग अलग कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा वेस्ट होता है ना वो रिसाइकलेबल वेस्ट होते हैं, तो जो रिसाइकल हो सकता है उसको अलग कीजिए आप। ठीक है, उसमें भी नॉन कंबस्टेबल और कंबस्टेबल वेस्ट होते हैं। तो जैसे नॉन कंबस्टेबल हो गया, जैसे मेटल ग्लास हुआ, पेपर हुआ, प्लास्टिक हुआ, इसको हम लोग जैसे अपने प्लास्टिक के टुकड़े हुए या कांच के टुकड़े हुए, इसको अपन रिसाइकल कर सकते हैं। बहुत जल्द उसको एज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ आर्ट भी यूज कर रहे हैं, उससे बोल बोलते हैं ना वेस्ट से बहुत अच्छी अच्छी वो लोग आर्ट निकालते हैं, स्कल्पचर निकालते हैं, वो सब भी कर सकते हैं अपन उसको। और जो कंबस्टेबल वेस्ट है, वेस्ट जैसे पेपर हुआ, उसको अलग कर लेना चाहिए जिससे अगर हम लोग कोई मेथड यूज करें तो वो कंबस्टन नहीं हो जाए, जल नहीं जाए, और हम लोग का सारा प्रोसेस गड़बड़ नहीं हो जाए। फिर ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर को रियली हम लोग कंपोस्टिंग के लिए यूज करते हैं। व्हाट ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स हो गया जैसे हम लोग का वेजिटेबल पील्स हो गया, लीव्स हो गया, ये सब ऑर्गेनिक मैटर होता है, इससे हम लोग कंपोस्टिंग करते हैं, तो इसको हम लोग को अलग कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग का हो गया तुम्हारा क्या नाम है, ये डेब्रिज जो होता है, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम का वेस्ट होता है उसको अलग कर लेना चाहिए। और हैजर्डस वेस्ट में अपन का आता है हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग हॉल्स वेस्ट, बर्नड ऑफ वेस्ट, और ये सब को हम लोग को अलग, हॉस्पिटल को वेस्ट को नॉर्मल वेस्ट से नहीं मिलाना चाहिए, वरना उससे क्या होगा ना कि हॉस्पिटल वेस्ट बहुत हैजर्डस होते हैं, वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, उसको बिल्कुल अलग कर लेना चाहिए हम लोग को। समझ में आ गया? तो सेग्रीगेटिंग का मतलब हो गया आपको अलग अलग करना है वेस्ट को, जिससे आप उसको अलग अलग ट्रीटमेंट दे सको, जिसको हम वापस यू रिसाइकिल कर सकते हैं रिसाइकिल कर लेंगे, जिसको जो क्या नाम है तुम्हारा बायोडिग्रेडेबल है वो तो इन स्पैन ऑफ टाइम डिग्रेड हो ही जाएगा, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको वहां से अलग करके उसको दूसरे मेथड में उसको लेके जाना, अगर वो रिसाइकिल हो सकता है, रीयूज कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए हम लोग को। जो हम लोग का मेडिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको बिल्कुल अलग रखना चाहिए जिससे हम लोग का वाटर पॉल्यूट नहीं हो और एटमॉस्फेयर हम लोग का खराब नहीं हो। तो सेग्रीगेटिंग करना बहुत अच्छा है, एट द सोर्स ही सेग्रीगेट कर लो, माने जहां पर ये पैदा हो रहे हैं वहीं पर आप इसको सेग्रीगेट कर लो। इसके बाद हम लोग को एक तो टॉपिक है इसके ऊपर लैंडफिल्स। तो लैंडफिल माने होता है डंपिंग,
जनरली सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट्स क्या करती है, वो जितने भी वेस्ट हो जाता है उसको आउटस्कर्ट्स में लेके जाती है, एक बड़ा सा एरिया वो लोग यूज करते हैं, बड़ा सा एरिया वो खोजते हैं जो बेसिक काम का एरिया नहीं होता, हम लोग उसमें एक पिट बनाते हैं, हमारे गड्ढा खोदते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर हम लोग ये सारा डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद हम लोग उसको सॉइल कवर से उसको कवर भी कर देते हैं, प्लास्टर टाइप का, नॉट एक्जैक्टली प्लास्टर बट हम लोग उसको कवर भी करना चाहिए जिससे उसका बदबू जो है वो एरिया में नहीं फैल जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं लैंडफिल्स, जैसे नाम ही बता रहा है लैंडफिल्स, माने फिल द लैंड, लैंड को फिल करो, ठीक है। दे आर लार्ज एरिया ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी वेयर द वेस्ट इज डिपॉजिटेड एंड ऑन और इन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद अर्थ, और हम लोग इसको जमीन से भर भी देते हैं। मेरे नोट्स में भी मैंने पूरा इसको लिखा हुआ है यहाँ पर शॉर्टकट करके, ठीक है। तो द वेस्ट फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, हो गया डंपिंग। द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटीरियल बरिंग इट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी वेयर द वेस्ट डिपॉजिटेड ऑन और इन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद अर्थ, माने हम लोग को ये याद रखना उसको कवर करना पड़ता है अर्थ से, ठीक है। Since landfills are covered, there's a minimum air pollution. However, it is difficult to maintain large landfills in view of increasing overcrowding of cities due to growing population. लेकिन सबसे बड़ा problem क्या है कि because हम लोग का population इतना जल्दी बढ़ रहा है, हम लोग को land का कमी है, हम लोग तो forest को भी नहीं छोड़ रहे, तो ये landfills के लिए area हम लोग कैसे छोड़ेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा problem है landfills का, ठीक है। तो land select करना, it is a costly process. उसका जो साइट ऑफ डिस्पोजल मस्ट बी लोकेटेड, और जो साइट ऑफ डिस्पोजल अगर बहुत दूर भी कर लेंगे तब भी नुकसान है, वेस्ट को लेके जाना, डेली गाड़ी को लेके जाना वो भी एक खर्चा है, तो वो थोड़ा पास में भी होना चाहिए, पास में होगा तो वो महंगा होगा एरिया, ठीक है। अ सैनिटरी लैंडफिल रिक्वायर्स एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर कवर ऑफ थिक कॉम्पैक्टेड सॉइल द एंड ऑफ ईच डेज वर्क, और इसके बाद कम से कम 15 सेंटीमीटर उसके ऊपर सॉइल बिछाना चाहिए, इसके लिए बिछाना चाहिए क्योंकि वो उसका जो बैड जो ऑर्डर है, जो उसका स्मेल है, वो बाहर नहीं आ पाए, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल, द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, द ओवरऑल टेंपरेचर, टाइम रिलेशनशिप ऑफ फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड पर्टिकुलर साइट फॉर लैंडफिल, और लैंडफिल पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं वो एरिया ऐसा तो नहीं जहां बारिश ज्यादा होती हो, क्योंकि बहुत तेज बारिश आने से क्या होगा, वो जो लैंडफिल है वो हमारा एक्सपोज हो जाएगा, अगर सॉइल हवा तेज आती होगी तो वो सब ऊपर का जो टॉप ऑफ सॉइल बिछाओगे वो उड़ के चला जाएगा, तो वो जो अंदर का जो कूड़ा है वो एक्सपोज हो जाएगा, तो हमारा सारा एक्सरसाइज ही खराब हो जाएगा। तो हमको ऐसा एरिया से चूज करना पड़ेगा जो कि हमारा वेस्ट को वापस एक्सपोज नहीं कर दे, समझ गए। तो ये हम लोग का मेन काम था। इसमें तो प्रॉब्लम है लीचेट के बारे में, तो क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द लीचेट, इट इज फॉर्म्ड अ रेन वाटर लीक्स इनटू द लैंडफिल। अब लीचेट कब होता है, जब सपोज कर लो हम लोग ने जहां पे कूड़ा डंप किया है, हमने एक ग्राउंड में कूड़ा को डंप किया, उसके ऊपर एक तो 15 सेंटीमीटर सॉइल कवर भी लगाया है, लेकिन वहां बारिश का पानी अगर घुस जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही बारिश का पानी घुसेगा तो उसके अंदर जो केमिकल्स डंप किए हम लोग ने, जैसे सपोज कर लो हम लोग ने कुछ केमिकल है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कोई भी हमने कोई केमिकल को डंप किया है, अगर वो वाटर के संग टच में आएगा तो वो एक तो केमिकल रिएक्शन पैदा करेगा एंड इट विल टर्न एसिडिक इन नेचर, ठीक है। This acidic water then dissolves toxic chemicals from common hazardous waste products such as household cleaners, insect sprays or paints. और फिर क्या होता है, जब ये केमिकल बन जाता है तो उस डंप में तो बहुत सारी चीज मिली रहती है, हमारे जो ये होता है ना हिट और ये सब, तो केमिकल स्प्रेज हम लोग घर में यूज करते हैं, उसके संग भी रिएक्शन हो सकता है और रिएक्शन होकर मीथेन गैस बन सकता है, ठीक है। और इसका जो टॉक्सिक सोल्यूशन होगा ये कभी कभी हम लोग का अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट भी करता है, माने बारिश का पानी जब लैंड के अंदर घुस जाता है जहां पे वेस्ट हम लोग डिपॉजिट करते हैं उसको हम लोग लीचेट बोलते हैं, उसके कारण एसिडिक हो जाता है ये नेचर में, और एसिडिक होने के बाद ये क्या करता है, जो हमारे कॉमन हाउसहोल्ड वेस्ट है उसके साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या करता है, हम लोग के जो वाटर है उसको कंटेमिनेट करता है, ठीक है। अनदर सीरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द लैंडफिल इज द क्रिएशन ऑफ एक्सप्लोसिव मीथेन गैस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का एक तो एक्सप्लोसिव मीथेन गैस बन जाता है। The gas is a byproduct of chemical process that occurs when bacteria decompose water. This can leak into the surrounding soil, damaging plants. तो ये जो हम लोग का methane gas जो होता है, ये हम लोग का पूरा atmosphere को खराब कर सकता है. It's a very dangerous gas. Plants life पे भी बहुत effect करता है. तो ये leachate के कारण क्या होता है? एक तो methane gas produce हो जाता है, which is not very good for our क्या नाम है atmosphere, ठीक है? अब इसका final जो question है, उसका बात करेंगे composting का. Composting का मतलब क्या होता है? Compost is a biodegradable organic waste. Like leaves, trees, tree leaves, vegetable peels and discarded food items converted into useful manure. Composting का मतलब क्या होता है? जो हमारे एक household में जो waste होता है ना, या जो organic जानते हो ना, जो कि जिसमें कभी life थी, तो जैसे leaves हुआ, tree हुआ, vegetable का छिलका हुआ, बना जैसे हम लोग fruits का छिलका हुआ, हम लोग उसको compost करते हैं, हम लोग उसको एक तो जमीन के अंदर डालते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया से भी हम लोग उसको कंपोस्ट करते हैं, उसमें से क्या होता है, हम लोग का फर्टिलाइजर बनता है और हम लोग का बायोगैस भी बनता है उसमें से। गार्डन वेस्ट हुआ हम लोग का, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है,
There are two ways of making compost. Compost बनाने के दो तरीके हैं. एक है anaerobic और एक होता है aerobic. Anaerobic का मतलब जो biology के student है वो जानते होंगे, it is without oxygen. और aerobic का मतलब होता है with oxygen. तो anaerobic में हम लोग क्या करते हैं? Anaerobic process are not developed commercially. लेकिन anaerobic जो process है, अभी it is a process of developing. अभी इतना ज़्यादा हम लोग उसको commercial basis में उसको नहीं बना रहे हैं. लेकिन बनाना बहुत अच्छा होगा. अगर हम लोग उस process से हम लोग composting करेंगे, तो हम लोग का biogas बनेगा. जो biogas है, उसमें होता है methane और carbon dioxide. और इसको हम लोग as a fuel भी use कर सकते हैं. अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम लोग कंपोस्टिंग को ऐसा करें जिसमें मीथेन का परसेंटेज काफी ज्यादा हो, क्योंकि मीथेन हम लोग यूज कर सकते हैं इन आवर एज अ फ्यूल. ठीक है, तो एनारोबिक प्रोसेस आर नॉट डेवलप्ड कमर्शियली बट आर रिसीविंग मोर अटेंशन एज दे डू नॉट रिक्वायर एरेशन एंड आर लेस प्रोन टू ऑडर प्रोडक्शन. एक और फायदा एनारोबिक का यह है कि उसको एयर नहीं चाहिए, तो वो क्या नाम है, पॉल्यूशन नहीं करता, गंदगी नहीं फैलाता हमारे एटमोस्फेयर के अंदर में. ठीक है, the process produces biogas consisting of methane and carbon. मैं तुमको बताया उसके अंदर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है. फिर से आप सुन लो, कंपोस्टिंग करने का दो तरीका है, एनारोबिक और एरोबिक. एनारोबिक में क्या होता है, हम लोग एयर ऑक्सीजन को यूज नहीं करते. ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट होता है उसमें से दो गैसेस निकलती है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बायोगैस में 55% मीथेन होता है, 45% कार्बन डाइऑक्साइड होता है. It may be used directly for heating or electric power generation. हम लोग इस fuel को, इस gas को, इस product को हम लोग directly क्या नाम है, electric power बनाने के लिए use कर सकते हैं. अगर हम लोग इसको ढंग से करें तो आपको 90% methane बना सकते हैं और 10% carbon dioxide बना सकते हैं, जो हम लोग को vehicles में भी काम आ सकता है, vehicle fuel भी हम लोग इससे बना सकते हैं. On the other hand, aerobic respiration जो होता है वो थोड़ा सा expensive होता है. It produces bad odors. उसके कारण, क्योंकि उसमें air use होता है, वो एकदम गंदा smell हम लोग का पूरा area में फैला देता है. Three types of microorganisms are involved in the process of composting. तो compost करने के लिए हम लोग तीन तरह के microorganism को use करते हैं. एक होता है bacteria, एक होता है हम लोग fungi, और एक होता है हम लोग actinomycetes. Actinomycetes, ठीक है? Another organic material is accumulated. This microorganism grow assimilate the sugars. अच्छा, ये फिर केमिकल प्रोसेस है, इसके कारण सुगर्स और हम लोग का जो ऑर्गेनिक एसिड्स है उसको डिकम्पोज किया जाता है. लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग से क्या फायदा होता है. तो जो कूड़ा है, अगर हम लोग उसको वापस से सॉइल में डाल दें और उसको अगर हम लोग मैन्यूअर बना दें तो बढ़िया ही है ना. माने जो हम लोग का वेस्ट था, वेस्ट से हम लोग फर्टिलाइजर बना रहे हैं, उस फर्टिलाइजर को हम लोग वापस एज अ फर्टिलाइजर सॉइल में डाल दे रहे हैं. ठीक है, तो इट कन्वर्ट्स ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू वैल्यूएबल फर्टिलाइजर. तो जो कूड़ा है वो हमारा फर्टिलाइजर बन जा रहा है. ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा हाउसहोल्ड वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाए. और हम लोग क्या करें, इनडायरेक्टली क्या करें, हम लोग जो सॉइल का जो हम लोग का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे हम लोग सॉइल को न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं. ठीक है, इट इज अ नेचुरल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम. माने ये एक कुदरती सिस्टम है. माने कूड़ा से, माने जो हम लोग का जो हम लोग का वेस्ट है उससे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी को हम लोग फर्टिलाइजर बना दे रहे हैं. ठीक है, कंपोस्ट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इससे सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है. माने फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो होता है वो ज्यादा इंप्रूव हो जाता है. ठीक है, इससे हमारा प्लांट ज्यादा ग्रो होता है. इट इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल भी बन जाता है. माने कंपोस्ट कर रहे हैं मतलब जो हमारा कूड़ा है, कूड़े को ही हम कन्वर्ट करके फर्टिलाइजर बना दे रहे हैं, उसी फर्टिलाइजर को हम वापस सॉइल में डाल दे रहे हैं. तो हमारा क्या हो रहा है, जितने भी जो प्लांट्स हैं उनको फायदा हो रहा है, हमारा सॉइल में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जा रहा है, हम लोग के प्लांट्स को फायदा हो रहा है. तो आपने देखा इस चैप्टर में तीन इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग का, नंबर वन सेग्रीगेशन, नंबर टू लैंडफिल्स और नंबर थ्री कंपोस्टिंग. इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा. ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट क्लास ऑन क्या नाम है तुम्हारा, वेस्ट methods of safe disposal. अब इस सीरीज में हमारा खाली एक चैप्टर रह गया है जिसमें हम लोग रिड्यूस, रीयूज और क्या नाम है, हम लोग का रिसाइकल जो है, हम लोग का तीन बच जाएगा, रिड्यूस, रिफ्यूज और रिसाइकल, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे. ठीक है, चलो पढ़ते रहो, बाय.